अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ रोशन तारिक और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ हम आपसे शेयर करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि महकमे जवाजात ने, यानी जो भी पासपोर्ट और अकामा से रिलेटेड महकमा है, सऊदी महकमा जवाजात, उसने नई सफरी हिदायत जारी कर दी हैं, जिसमें उन्होंने सऊदी शहरियों के लिए जो है उन सऊदी शहरियों को जिन्होंने गैर मुल्कियों से शादी की हुई है, खसूसी जो है वो इजाज़तनामे देने की सहूलत दे रखी है। इसमें वो गैर मुल्की लड़के जिन्होंने गैर मुल्की लड़कियों से शादियां की हुई हैं या सऊदी लड़कियों से शादी की हुई है, उनको भी बाहर जाने की इजाज़त होगी। और जिन गैर मुल्की लड़कियों की सऊदी लड़कों के साथ शादी हुई हुई है, तो उनसे मिलने के लिए अगर सऊदी जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो भी दस्तावेज़ात दिखाकर, निकाहनामा दिखाकर, पासपोर्ट्स दिखाकर, अपनी तमाम तफसीलात दिखाकर बाहर की परमिशन ले सकते हैं। जवाजात ने ट्विटर अकाउंट पर एक हिदायतनामा शक्ल की सूरत में तस्वीर शाया कर दी है। महकमे सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी अरब के गैर मुल्कियों से शादियों के बाद उन वो जो हैं वो तमाम तरह की जो सफरी सहूलियात हैं उनको मुहैया की जाएंगी, यानी वो उनका आना जाना, सफ़र करना, ट्रैवल करना मुमकिन हो सकेगा। ताहम उनको अपनी शादी के सबूत फ्राहम करने पड़ेंगे, निकाहनामा दिखाना पड़ेगा। वो सऊदी जिन उनकी गैर मुल्की बीवियाँ हैं और वो बाहर रहती हैं, तो वो उनसे मिलने जा सकते हैं निकाहनामा दिखा कर। अगर आप ये दस्तावेज़ात उसके साथ पासपोर्ट के साथ नहीं दिखा सकते, तो आपने इसको अपशर अकाउंट पर जाकर इसकी तमाम तफसीलात इंटर कर देंगे, तो भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। ये एक लेटेस्ट अपडेट थी सऊदी अरब से जो मैंने आपसे शेयर की। इस तरह की मज़ीद अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।